सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। टूट गया मैं तो अब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। Hey guys, welcome back to another video. Guys, आज इस वीडियो के अंदर मैं इस PVP प्लेस जो मैंने बनाई थी यहाँ पे खुद के लिए एक ऑडियंस लेके आने वाला हूँ, या क्योंकि मैं अकेले अकेले मैं PVP करने में बहुत बोर हो जाऊंगा। टूट गया मैं तो अब। सो इसलिए यहाँ पे मैं विलेजर्स को लेके आया था, 6 से 8 विलेजर्स थे जो पासी के विलेज से मैं उठा के लेके आया था। सो उसके आगे का तो तुम लोग जानती हो क्या हुआ होगा। वही हुआ है और ये पीवीपी प्लेस और ये सब लोग वी विलेजर्स के पास जाके मर रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये है आज का कि मेरे को यहाँ पे पूरे में एक फेंस लगानी है। फेंस मतलब वो नहीं, बाल लगाना मतलब। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने। आयरन बार्स मेरे को इसलिए लगानी है क्योंकि ये ऑडियंस को मैं उसके अंदर रखूंगा। तो क्या है ना, अभी जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है ये बाहर निकल रहे थे। एक सेकेंड, जगह नहीं है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा, बाहर कैसे निकलू। ओ नो गॉड प्लीज, नो नो नो। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तोड़ो 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 जल्दी, या फिर तोड़ो यार, तोड़ो जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत स्लो मोशन की दुकान बन रहा है, जल्दी लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। यस खुल गया। या मैंने बाकी पीवीपी के बाद अब सबसे पहली बार ये आती है फेंस लगाने की। मैंने इस तरह से मेरे को पूरी जगह पे फेंस लगाई ताकि ये लोग वहां से बाहर ना निकल पाए। और मैंने आयरन के बाकी सामान भी बना लिया हूँ, जैसे कि एक्स, पिकेक्स और जॉट। सो फटाफट से मैं पूरी की पूरी फेंस लगाऊंगा यहाँ पे, और पूरी की पूरी को अच्छे से लुक वाइज समझ रहे हो ना कैसे दिखाना है, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है ना वो बाहर ना आ पाए। क्योंकि ये जब बाहर आ जाएंगे ना तो पीवीपी के लिए मेरे को बहुत दिक्कत होती है। और देखो भाई, सीधे सीधे सच बता रहा हूँ, मैं अकेले अकेले पीवीपी कर नहीं सकता, मैं बोर हो जाता हूँ। और देखो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तब मैं ज़्यादातर है ना अकेले ही मतलब करता हूँ, ऐसा नहीं है कि भंडारे में बैठ के करता हूँ। और तो यही बात है कि मैं अकेले अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, और इसलिए मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए बस ऑडियंस बना रहा हूँ, मतलब विलेजर्स को पकड़ के लाया हूँ। क्योंकि विलेजर्स रहेंगे ना तो मेरे 6 काम होंगे जिनसे। पहले यहाँ पे आयरन गोलम्स को स्पॉन करा पाऊंगा मैं एक ज़ॉम्बी से, मैं वो बाद में करूंगा सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर बाय मिस्टेक भी अगर एक भी ज़ॉम्बी आता है तो आयरन गोलम वैसे ही स्पॉन हो जाएगा और आयरन गोलम वैसे ही उसको किल कर देगा। तो वो हैज अ प्रोटेक्शन भी मैं ले सकता हूँ, और मैं आयरन गोलम को मार के आयरन भी ले सकता हूँ, तो वो भी मेरा काम करेंगे। थर्ड काम ये हो जाएगा कि विलेजर्स रहेंगे तो मैं बोर नहीं होऊंगा अकेले अकेले, ठीक है, ऐसा लगता है सपोर्ट करने के लिए कोई है। और फोर्थ, बहुत से एनिमल्स जो है वो यानी कि हाय हाय, इतना सुकून वजह से निकल पाएंगे, जैसे कि कैट मैं लेके नहीं आया हूँ, खुद आई है इसी से। तो या मतलब सीधे सीधे कहूँ तो मैं अकेला काफी अच्छा रहेगा। सो फटाफट से मैं पूरी जगह पर बाल लगा लेता हूँ, बाल थोड़े से साइड में लगाते हैं जिससे कि ये फैलेगा। ओके सो एक लाइन की तैयार हो चुकी है मेरी। मैं नहीं दिखाऊंगा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पूरे टूल्स खराब होने के बाद या ये जो ऑडियंस देख रहे हो ना, ये
आधी ऑडियंस यहाँ पे, आधी जो है वो धीरे धीरे हो रही है, मतलब एकदम से नहीं बढ़ रही है। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑडियंस को और आने में, बट क्या ये समझ लो कि अभी मेरे पास बहुत सारी ऑडियंस है। अगर तुम लोग इधर से, तुम लोग को ठीक से दिखेगा नहीं, लेकिन ऊपर की जो रो है उसमें पूरी जगह पे विलेजर्स है, वहाँ पे देखो तुम लोग को विलेजर्स ही विलेजर्स दिखेंगे।